नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय दिकार, मेलघाट दर्शन मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेलघाट इलाके में छोटे जो किसान हैं, काश्तकार हैं, जिसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, पहले तो मैं मेरे खेती का वीडियो थोड़ा सा मतलब डाल रहा हूँ। मैं तो सोयाबीन के इतना भयानक बेकार हाल हो गया है कि सोयाबीन को आप देख नहीं सकता। और मैंने कृषि विभाग वालों से भी बात किया, उसके बाद पंचायत समिति सभापति सर से भी बात किया, इन्होंने कृषि विभाग सर मैडम से बात किया मैंने, तो मैडम ने हमें सीधे सिंपल भाषा में बोल दिया कि आप लोगों ने बीमा करना चाहिए था। सही बात है, गलती हम लोगों का भी है कि हमने बीमा नहीं कराया इसका। और बीमा इसलिए नहीं कराया कि लॉकडाउन का समय था, पैसा बड़ा मुश्किल से थे, लेकिन बीमा का भी पैसा इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन उस समय में खेती करने के लिए भी पैसा नहीं था, तो भी इन लोगों ने ट्रैक्टर वगैरह लगा के खेती, बैल जोड़ी, जिसके पास बैल जोड़ी नहीं थी तो भी उन्होंने खेती लगाए। और देखो मेरे पीछे ये देख रहा है, इतना पीला हो रखा है ना, इसमें फल भी नहीं लगे हैं। देखो दोस्तों, ये सोयाबीन का हाल हो रखा है हमारे यहाँ का, मेलघाट का। ये मेरे ही खेत का नहीं है, सभी के खेत में इस टाइप का हो रखा है, पूरा सोयाबीन पीले पड़ गए। पीले पड़ने के बाद एक भी मतलब इसमें सोयाबीन नहीं लगा है पूरा खेत। ये रोड से तकरीबन मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर दूर है ये खेत, और रोड से पूरा पीला नज़र आता है ये, देखो दोस्तों। तो हमने सभापति सर से बात किया है, उनने बोला कि आप लोग कृषि मैडम से मिलो। बाद में हमने कृषि मैडम से भी बात किए, तो कृषि मैडम बोलता है कि आप लोगों ने बीमा कराना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने बीमा नहीं कराए। तो बात तो सही है, बीमा हमने किए नहीं, लेकिन समय ऐसा था दोस्तों कि लॉकडाउन का समय था, काम कुछ मिल नहीं रहा था, जो कुछ पैसा था गरीब लोगों ने अपना खेती में लगाए, और इन लोगों ने अपना पेट काट काट के खेती करे। उसके बाद में फसल एक, मैं बता रहा ना आपको, ये 2.5 एकड़ खेती में है पूरा सोयाबीन। ये 2.5 एकड़ में अगर से 10 किलो भी निकलना मुश्किल है, 10 किलो तो क्या, मैं बोलो 5 किलो तक नहीं निकलेगा। इसमें पूरा हाल ऐसा हो रखा है, इसको हमारे पिताजी ने बोला कि काट के फेंक दो बोला, लेकिन एक तक सोयाबीन नहीं लगा इसमें। और देखो फसल इतनी बुरी तरह से ख़राब हो गया। और ये खेती है, मेरा फादर का नाम बताता हूँ मैं, हीरामन बालाजी दिकार, जो पहले से यूट्यूब के अंदर में मैं मेरा खेती का डालते रहता हूँ। ये मेरे ही खेत है, पापा के नाम से पहचान में आता है। देखो ये देखो कितनी पीली हो रखी है, और दोस्तों पूरा नुकसान हो गया, कोई काम का ही नहीं रहेगा ये। तो मैं ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाऊँ, क्योंकि ये खेती है मेलघाट के अंदर का। अब मेलघाट के अंदर कोई काश्तकार लोग बड़े मुश्किल से तो खेती करते हैं, और इस खेती में कृषि अधिकारी अभी बीच में पहले आए थे, उसके बाद में अब नदी बहने लगा तो ये लोग आने नहीं लगे। लेकिन मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया इन लोगों को कि चलो देख लो आप लोग, तो उन्होंने दूर से वो बोल दिया कि आप लोगों ने बीमा नहीं कराया है। लेकिन देखो दोस्तों, पूरा पूरा ख़राब हो रखा है, क्या बताओ। इसमें जो लगाए पैसे वो भी नहीं वसूल हो पाएगा, एक रुपया भी नहीं वसूल हो पाएगा इसमें। तो मैं हमारे जितने भी इधर मेलघाट क्षेत्र के जो भी अहदेदार हैं, उन लोगों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि मेलघाट के छोटे किसानों को कुछ ना कुछ राहत जैसा इस पे निर्णय लेना चाहिए। मैं अब क्या बोलूँ, अब ये फसल देख के ऐसा लगता है कि अब ये दोस्तों मेरे ही खेत का नहीं है, बहुत सारे लोगों का है। तो यहाँ पे मतलब बिहाली गांव के जैसा मेरे पिताजी जो हीरामन बालाजी अधिकार, और फिर दादा राव मोतीलाल टोटे, राजाराम तानू बेलसरे, ऐसे बहुत सारे जो छोटे काश्तकार हैं, इन सभी लोगों का मतलब सोयाबीन का बहुत नुकसान हो गया है। तो मैं मतलब गुजारिश मतलब नम्र निवेदन करता हूँ सर लोगों से कि बड़े मुश्किल से हम लोगों ने खेती पेरे थे, ये बीमा तो नहीं कराया हमने, लेकिन उस टाइम में फसल अच्छी थी, इसकी वजह से हमने किया नहीं। लेकिन अचानक ही
देखो कि बहुत पीला हो रखा है, तो कुछ ना कुछ राहत देना चाहिए गवर्नमेंट ने। और जैसा राजकुमार सर पटेल से भी मेरा नम्र निवेदन है, सभापति सर से भी निवेदन है कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ निर्णय ले इस बारे में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।